राज? प्रिया? कहाँ थे तुम इतनी देर? कुछ नहीं, एक मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ था? नहीं, मोबाइल तो चालू है। ओ हाँ, बैटरी डाउन हो गई। घर में पार्टी हो रही है, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी प्रिया, जानता हूँ बहुत लेट हो गया। तुम मेहमानों को संभालो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। प्लीज जल्दी आना। मैंने कहा जी, आपने फिर से ग्लास ले लिया। कमाल है कंचन, कमाल है यार। हमने सोचा था कि शादी के बाद तुम अपने हाथों से हमें पैक बना के दोगी, लेकिन ये पैक बनाना तो दूर, भरे हुए पैक को भी ठोकर मारने पे तुली हुई। मुझसे शादी आपने शराब का ग्लास बनवाने के लिए की थी? नहीं 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 नहीं, आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट माय प्लान इन अ डिफरेंट मैनर। मतलब तशनगी अब आब हो जाए। मतलब? मतलब प्यास अब पानी हो जाए। वाह, कतरा कतरा, ड्रॉप ड्रॉप गुलाब हो जाए। वाह वाह, तुम अपने हाथों से जो पिला दो मुझको, तो मिनरल वाटर भी शराब हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बड़े ही अल्कोहलिक किस्म के हाथ है इनके। यार यार होंगे क्यों नहीं होंगे, जिंदगी में 500 शराबियों के टेबल पर कटका पोचा मार चुकी हूं मैं। क्या हुआ? हाय प्रिया, कांग्रेट्स। थैंक यू। ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। ना मैं शायर हूँ ना शायर का भतीजा हूँ, मैं तो जी अपने माँ बाप के मनोरंजन का नतीजा हूँ। क्या बात हो रही है? सिट सिट सिट। आज ना शर्मा जी बड़े शराना हो रहे हैं, लगता है इन्हें प्यार शहर हो गया है। प्यार? भाई ये प्यार क्या होता है? हाँ बेवकूफ टाइप, इतना भी नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ कि प्यार क्या होता है। जो प्यार होता है ना, वो इटालियन टैल्स का वो फार्स होता है, जिस पर बार बार चाड़ू और कटका करने को मन करता है। अरे अब तो झाड़ू कटके की बात छोड़ दे, तू भूल क्यों जाती है कि अब तू वो नहीं जो थी, अब तू बैरिस्टर राम चोटरानी की लीगली वेडेड वाइफ है यार। मैं भूल जाती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी 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 सॉरी, वेलकम वेलकम। शायद ये पहली पार्टी है जहाँ पे गेस्ट होस्ट का वेलकम कर रहे हैं। हमारे चोटरानी साहब, आप कंबल में लपेट के मार रहे हैं। नो नो नो, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। वैसे क्या बातें हो रही थी? ये लोग राकेश भैया को बता रहे थे कि प्यार क्या होता है। क्यों बे, तुझे पता नहीं प्यार क्या होता है? राज, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार। या तो प्यार एक मुकदमा होता है, और या फिर ये एक इटालियन टाइल्स वाला फर्श होता है। क्या है, सबने अपने तरीके से प्यार का फलसफा बता दिया। okay. तुम्हारे प्यार की क्या डेफिनेशन है, तुम बता दो। चोटरानी साहब, मेरे हिसाब से प्यार प्यार होता है जिसमें विश्वास होता है, पैशन होता है, वफा होती है, और ये वो वफा है जो आदमी को बेवफा नहीं होने देती। वाह वाह वाह, अब समझे राकेश भैया? हाँ भाभी, सब समझ में आ गया। क्या हुआ, तुम्हें लगा कोई और है? नहीं नहीं, मैं बस यूं ही। फिर चौके क्यों? नहीं, वो मेरे ध्यान में कुछ और था। बेडरूम में पति के ध्यान में कुछ और आना अच्छी बात नहीं है। बेडरूम में ही क्यों, कहीं भी पति के ध्यान में पत्नी के अलावा कुछ और आना बुरी बात होती है। राज, बहुत अच्छी पार्टी हुई, सब लोग बहुत खुश थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबने तुम्हारी तारीफ की, घर की तारीफ की, खाने की भी तारीफ की। किसी ने हमारी जान की तारीफ की? मुझे अपनी तारीफ सिर्फ अपने हस्बैंड के मुंह से सुनना अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। अच्छा, अब तुम कब मेरी तारीफ करोगी? जितना करती हूँ उतना ठीक है। जब ये आ जाएगा तो तारीफ तो दूर, 20 बार आवाज दोगे, एक बार जवाब दूंगी, आ रही हूँ। और एक काम करना, वो जो फॉल्ट रिपोर्ट है, हाँ, शाम तक मेरे डेस्क तक पहुँचा देना। श्योर। गुड मॉर्निंग सर। हाय मॉर्निंग सर। मिस्टर चेयरमैन आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं। ओके, ये अंदर रख दो। यस सर।
गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मुझे बुलाया? ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, इस पर साइन करो। यू आर रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन क्यों सर? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की? What? I say just sign it. सर ये सब झूठ है, सब झूठ है सर। सुनिए ये क्या हो रहा है, सुनिए क्या बोला तुमने मेरे बारे में इन्हें? बोलो। Don't talk to her. मेरे सामने मेरी बीवी से बात करते हो? चुपचाप ये लेटर साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए मैम। Shut up. मैं नहीं चाहता कि कंपनी और मेरी इज्जत का तमाशा बने, इसीलिए तुमसे सिर्फ रेजिग्नेशन मांग रहा हूँ। सर मेरी बात, वरना जो जलील हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें गोली मार देता। सर नाउ गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरी बात तो सुनिए, गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरी बात तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये लेटर साइन किया हुआ चाहिए। सोनिया ने जो कहा वो गलत कहा। Stop it, darling. Please, control yourself. तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो? How dare he? Please, baby. मेरे लिए, please. चलो ना, चलो. Idiot. Calm down. दो कौड़ी मार। तुम लोग मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? अरे मैंने नहीं की हरकत, करने की बात तो दूर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं राकेश, ये सोनिया मुझे फंसाना चाहती है, मैं सच बोलता हूँ। उसने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जब मैंने मना कर दिया तो सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया उसने। और देख आज ये रेजिग्नेशन दे दिया मुझको, कहती है रिजाइन कर दो। अरे मैं क्यों करूँ रिजाइन यार, मैं नहीं करूँगा रिजाइन। तू बता, तू मेरा दोस्त है ना यार? तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग हो, तुम लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते हो? राज, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारे स्टाफ के साथ तुम्हारी बात डिस्कस की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है? किसी ने अगर यकीन नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि सोनिया ने जो मुझ पे इल्जाम लगाया वो सही है, दे दूं रेजिग्नेशन? नहीं नहीं राज, मैं ये नहीं चाहता कि तू रेजिग्नेशन दे दे। देख, गलती हर इंसान से हो सकती है, तेरी जगह मैं होता तो मेरे से भी शायद यही गलती होती। देख राज, अगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो क्या तू प्रूव कर पाएगा कि तू बेकसूर है? खैर ये सब छोड़, इस वक्त सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में सोच। अरे इतना बड़ा लोन लेके तूने बंगला खरीदा है, अगर तू इस्तीफा दे देगा तो वो लोन कैसे चुकाएगा? तू मेरी बात मान, चुपचाप मिस्टर राय के पास जा और उनके पैर पकड़ ले और उनसे साफ साफ कह दे तुझसे गलती हो गई, तुझे माफ कर दे। और फिर उसके बाद है ना, दिमाग खराब हो गया है। तू क्या चाहता है, मैं उसके पैर पकड़ लूं और वो भी उस गलती के लिए जो मैंने नहीं की है? अपनी नसीहत अपने पास रख। हफ्ते भर के अंदर अगर तुमने दूसरी गारंटी नहीं दी तो बैंक तुम्हारा बंगला सीज कर लेगी। तुम मर्द हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करे और मैं माफ कर दूं। मुझे डिवोर्स चाहिए। आई एम लीविंग यू नाउ। देखो राज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कोई नई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑफिसेज में अक्सर मर्द औरतों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये केस उल्टा है। यहाँ तुम्हें एक औरत ने सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि इस तरह की घिनौनी हरकतें सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। तो चोटरानी साहब, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? तुम चाहो तो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं, बट प्रूफ करना मुश्किल होगा, जीतने के चांसेस कम हैं। और हार के बाद के साइड इफेक्ट्स भी सुन लो राज,
मीडिया को ऐसे ही मसालों की जरूरत होती है। वो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापेंगे, फेमस बना के बदनाम कर देंगे। महिला संगठन वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारी सर्विस तो जाएगी, तुम लोगों की नजरों में इतने गिर जाओगे कि कहीं तुम्हें कोई काम भी देने को तैयार नहीं होगा। राजी, एक बहुत बड़ी कंपनी और उसकी एमडी की इज्जत का सवाल है। वो अपनी स्टेटस और प्रेस्टीज बचाने के लिए तुम पर अटेम्प्ट ऑफ रेप का केस करेंगे और अफसोस है कि शायद प्रूफ भी कर दें। उसके बाद 7 साल जेल की सजा। तुमने प्रिया को तो ये बात नहीं बताई ना? नहीं। गुड गुड गुड। लुक राजा, आई एम योर फ्रेंड। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं। तुम इस्तीफा दे दो और प्रिया से कोई भी बहाना बनाकर उसके साथ कहीं दूर चले जाओ। राज, तुम जॉब से रिजाइन कर रहे हो? तुम्हारी कोर्ट की जेब से रेजिग्नेशन लेटर मिला है। पर क्यों? सोनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उस पर रेप अटेम्प्ट किया है। क्या? हाँ, सच्चाई ये है। उस दिन जब मैं उसके घर मोबाइल की प्रॉब्लम डिस्कस करने गया, उसने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। मेरे मना करने पर उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आज वो अपने पावर का इस्तेमाल करके मुझे कंपनी से निकालना चाहती है। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताता मैं? कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। मेरे स्टाफ, मेरे कलीग सब यही समझते कि मैं गलत हूं। यहां तक कि मेरा करीबी दोस्त राकेश, उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं। अभी अभी चौटरानी से मिलकर आ रहा हूं। उससे मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो कहने लगा कि अगर रेजिग्नेशन से बात खत्म होती है तो रेजिग्नेशन दे दो। और ये भी कहने लगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक औरत किसी मर्द को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकती है। अब तुम ही बताओ, जिस बात को कोई मानने को तैयार नहीं, वो बात मैं तुम्हें कैसे बताता, कैसे समझाता, कैसे यकीन दिलाता? मुझे यकीन दिलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम कह देते, मैं मान लेती। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज, तुम रिजाइन नहीं करोगे। अगर तुम रिजाइन करके खामोश हो गए तो लोग इस झूठ को सच मान लेंगे। दुनिया जिंदगी भर तुम्हें गलत समझेगी। हम इस झूठ के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी सच्चाई के लिए, अपने ऑनर के लिए। प्रिया, अब फैसला चाहे मेरे फेवर में हो या मेरे खिलाफ, तो मेरे साथ हो, अब मैं लड़ूंगा। हेलो चोटरानी साहब। नहीं, मैं उनके असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट। सर, मिस्टर राज मल्होत्रा का फोन है। हेलो चोटरानी साहब, मैंने फैसला कर लिया कि ये केस मैं लड़ूंगा। लड़ोगे? देखो राज, मैं तुम्हें सब कुछ पहले समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया, ये केस मैं लड़ूंगा। और इस फैसले में मेरी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, मैं उन्हें नोटिस भिजवाता हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहना, काम करते रहना, ताकि उन्हें तुमसे रेजिग्नेशन मांगने का कोई और बहाना ना मिल जाए। समझ गए ना? जी। ऑल द बेस्ट।